एक विवाह का जो प्रसंग होता, उस विवाह के प्रसंग में सबसे मूल अगर कोई प्रसंग है तो बेटी का विदाई का प्रसंग है। बेटा मां को प्रिय होता है, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा पिता रोता है। कौन रोता है? पिता। जितना मां रोती है उससे ज्यादा बेटी की विदाई में बाबुल रोता है, पिता रोता है। बेटा मां को प्रिय है और बेटी पिता को प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के स्नेह का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, चंद्रमा पर काया का रोग हो गया था। एक बाप ने एक पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया था। एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया और एक पिता ने अपने दामाद को भी समझाया। शायद ये नहीं चल रहा, बंद हुए ये। एक पिता अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं और अपने दामाद को भी समझा रहे हैं, बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दामाद को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों। एक बार चंद्रदेव को समझा कर कह दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी बेटियां जितनी तुम्हें को दिहाई गई हैं, जो कन्याएं तुमको दी गई हैं, 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया है, साठ बेटियों का जो जन्म दक्ष प्रजापति के यहां हुआ था, उसमें से कुछ बेटियां जो चंद्रदेव को दी गई थी, खूब समझाया पिता ने। बेटी के जीवन में अगर दुख आता है ना तो सबसे पहले बाप की आंख में आंसू आता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा। 50 जगह पर जब देओ तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसको दे रहे हो वो भी सोचो। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की, तुमने तो दे दी गौ माता को। वो लेकर गए, जब तक दूध दिया जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा,
गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया है। तूने संकल्प लिया था, दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा। गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहां जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा तो बेटी भी आएगी। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार कर देना चाहिए, ऐसे ही मत दे देना किसी से। किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह कर रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है। मां बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। मां, मां कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूं इंदौर पढ़ने भेज दूं, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूं, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूं, इसको मैं मुंबई भेज दूं, इसको मैं विदेश भेज दूं। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो, अपनी युवान बेटी को तुम वहां पढ़ने भेज रहे हो, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ जाओ। एक बाप को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग एक पिता को बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी बाप अपनी छाती पर पत्थर रखता है और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है, वो बाप होता है। दुकान बंद करेगा, खेत पे से आएगा, छोड़ने जाएगा स्कूल, लेने जाएगा स्कूल। जब बेटी पढ़ते 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 कॉलेज में पहुंच जाती है, उसने तुम्हारे पहनावे पर भी कुछ नहीं बोला, तूने कहा पापा स्कूल जाऊंगी कि कॉलेज जाऊंगी तो क्या मैं जींस पहन सकती हूं, क्या मैं टी शर्ट पहन सकती हूं? बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे नाज है, पहन। बाप ने मना भी नहीं करा। पिता बेटी के लिए खुली किताब बन कर रहा, खुली किताब। मायका किससे है? मायका मां से नहीं, मायका बाप से होता है। मेरा बाप है तो मेरा मायका है। बेटी को थोड़ा सा दुख होता है तो चिल्ला कर कहती है मैं मेरे पिताजी के यहां जा रही हूं, ये नहीं कहती मैं मेरी मां के यहां जा रही हूं, मेरे पिताजी के यहां जा रही हूं। बेटी को थोड़ा सा दुख आता है तो कह देती है मेरा बाप है, भूखा नहीं मरने देगा मुझको,
ये बेटी को नाज होता है, बाप उसको पढ़ाता है अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बड़े बड़े शहर में भेजता है, खूब पढ़ाता है। एक बाप की जितनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बाप की जितनी पोजीशन नहीं होती, उससे ज्यादा पिता अपनी बेटी के एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन है कि बाप ने तुम्हारे लिए खुली किताब बन गया है, तो तुम भी अपने पिता की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने बाप की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका देना। उसने तुमको पहनने से मना नहीं करा, उसने तुमको पढ़ाने से मना नहीं करा, उसको उसने तुमको विद्या अध्ययन से मना नहीं करा। ये नहीं कि तुम कॉलेज में चली गई, स्कूल में चली गई और मालूम पड़े कोई मित्र दोस्त ऐसे मिल गए जिनको पिता से छुपाती रही, जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरी किताब खोल दी है, जिस बाप ने अपनी पूंजी लगा दी है, जो बाप गर्व से कहता है कि मेरी औलाद मेरे से छल नहीं कर सकती, मेरी औलाद मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है। एक बाप अपनी नाक लगाकर बोलता है कि मेरी बेटी मेरी शान है, तो बेटी भी कोई कह देना चाहिए मेरा बाप मेरी शान है, मेरा बाप मेरी शान है। मेरा पिता कहेगा विवाह महा करूंगी, कोई कैसे भड़का दे वाला तुमको, कोई कैसे तुम्हारे मार्ग को छिन्नित कर दे वाला। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, मेरी बहनें बैठी हैं आस्था चैनल पर, जितनी माताएं सुन रही हैं, जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, उनको भी नमन कर कहूंगा, जितनी माताएं यहां बैठकर कथा सुन रही उनको भी कहूंगा, जिस मां बाप के घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी का कन्यादान यदि माता पिता नहीं करते हैं तो 94 तरह का नरक मारो बाप को भोगना पड़ता है, और उस नरक से बचा सकती है बेटी, उस नरक से बचा सकती है बेटी। बेटी कह दे आपकी और हमारी मित्रता है, आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, हमारे दोस्त मन कर रही है, पर विवाह का निर्णय तो मेरा पिता ही रहेगा और मेरी मां की गोद में बैठ खेली हूं, मेरी मां ही निर्णय करेगी कि मुझे शादी कहां करना है, मेरे जीवन का पहलू मेरे माता पिता निश्चित करेंगे। आज के जमाने में नया नया प्रलोभन देकर, खूब बाडी शाडी बनाकर, दूसरे धर्म के लोग भी आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, पर हिम्मत आप में होना चाहिए कि ढोल कैसे जाओ। हिम्मत आप में होना चाहिए कि कैसे डिग जाए भला। बेटी बाप का गौरव है तो बाप बेटी का गौरव है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बेटी के नाम पर ही है, सोमनाथ। जब समझाया चंद्रदेव को, चंद्रदेव तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखो, पर ध्यान नहीं दे पाते थे, गुस्सा आ गया। एक बार दामाद को समझाया, एक बार बुला के समझाया कि देख बेटी तेरे साथ भी आई है, ऐसी हरकत मत कर, सम्मान दे बेटी का, आदर कर बेटी का, सत्कार कर बेटी का, जो अपना घर छोड़कर चली जाती है पति को चाहिए उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। पर एक बात समझ में नहीं आती इन पतियों की, कि इनकी बहन को जब तकलीफ होती है तो ये तलवार लेके बंदूक लेके अभी निपटाऊं, वो दामाद के अभी रुक जा तू, मैं जीजा के छोड़ूंगा नहीं। बहन के तकलीफ हुई तो ये तलवार और बंदूक लेके दौड़ पड़ते हैं, ये गालियां देना चालू कर देते हैं, और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी तुमसे दुखी है, वो कौन तलवार लेकर आए।
अरे ओ भेरू, बिना सिंदूर का थोड़ी समझदारी लाई अपनी बुद्धि में। अपनी बहन को जब हम दूसरे के घर में दुखी नहीं देख सकते, तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी बहन को तुम्हारे घर में दुखी नहीं देख सकता। गायत्री परिवार वाले आवाज लगाते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो जम के युग। अरे बोलो तो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई मार देगा तुमको। डर के नहीं बोलना है, तुम तो शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, तुम्हें कई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब इकट्ठे और महादेव के पट्टे, काय को डरे किसी से, क्यों डर रहे। गायत्री परिवार वाले कहते हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? तारीख तो आज निश्चित करें, जब ये हम 24 अवतार मंदिर वाले जब 11 रुद्र अवतार के मंदिर की तारीख निश्चित कर रहे हैं, तो अपन क्यों चुके? कब सुधरोगे यार, निश्चित कर लो तुम तो, कि हम तो बस सुधरेंगे। कब से कह रहे हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कुछ नहीं बदला, मेहंदी बदली और घूंघट बदला। घूंघट यहां था, यहां पहुंच गया, बच्चा कुछ था यहां पहुंच गया, यहां से यहां आ गया, यहां आ गया, अब यहां धरा दिया। तुम नहीं बदले, घूंघट बदल गया। मेहंदी यहां थी, मेहंदी यहां से यहां आ गई। और बच्ची कुची थी, तो एक बार पूना में कथा करने गए हड़पसर में, तुम्हारी एक गुड़िया यहां लगा के आ गई। तुमने उससे पूछा, हमने कहा बेटा तन्नु ये तूने क्या लगा लिया? तो क्या गुरुजी टेटुआ है, टेटू है। हमने कहा टेटू है? हमने कहा वारी बेटा, पर ये तूने यहां क्यों लगवाया फालतू? कितने की लगवाई? 900 रुपए की। हमने कहा बताओ, 900 रुपए का किसी गौ माता को चारा दे देती, एक महीना खाती बापड़ी, कितनी खुश होती, तेरे को दुआ देती। फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया, ने 900 रुपये का यहाँ टेटुआ बनवा के आ गई, ये तो फ्री में बन जाता। तो वो बोली गुरुजी फ्री में कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना लेती, चिपक जाती। हमें कही फालतू का पैसा बर्बाद कर। बदलो, हम सुधरेंगे। वो बोलो तो बोलो, बोलो जरा। अरे भाई, शिव महापुराण में पार्वती खंड के अंदर लिखा है, जब व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति से ही ठीक नहीं है, तो महादेव से कैसे ठीक होगा? विचार तो करो, आपका स्वभाव आपके मोहल्ले में ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके मित्रों से ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी पत्नी से ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी जेठानी से ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके सास ससुर से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव अड़ोसी पड़ोसी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके रिश्तेदारों से ठीक नहीं है, और विचार करके बैठी है कि मैं भगवान को रिझा लूंगी, भगवान को रिझा लूंगी। भगवान भी सोचे पहले पड़ोसी को तो रिझा ले, घर में सास रूठी पड़ी उनको तो रिझा, देवरानी जेठानी दिन भर लड़ती फिरो, और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो कि महाराज ये काम हो जाना। भगवान 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 भी बोले कहां से आ गई जगदम्बा, घरे चली जा। अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। कौन सी तारीख लिखूं कागज पे कि तुम आपसे बदलोगे? हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे का आज की पक्का। पड़ोसन कितनी भी गाली दे, अपने नहीं बोलना, बस चोटी कर लेना, पर बोलना नहीं अपने। हो कोई कितना ही बोले नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर ताड़ के सोइए। अपने कई करना है साहब, ये ऐसा बोल रही, वो ऐसा बोल रहा, अपन तो बढ़िया। जो जितना आड़ा टेढ़ा बोले नहीं होती, तुम खजूर वाली चोटी करके ना, बिंदी मिंदी लगाई के ना, तुम भगवान का मंदिर जाओ, ऊके और आग लगाओ, जलती रहे आग लगे बस्ती में। अपन तो जाओ भगवान शिव का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, थोड़ा सा बदल लो बस। तुम्हें ज्यादा नहीं बदलना है, थोड़ा सा।
तुम सब बहुत जोरदार हो, एकदम चकाचक। जितना बैठे उन्हीं कथा में एक भी गड़बड़ नहीं हो, सब जोरदार और सब दमदार। दमदारी है तब तो तुम इतनी आगे खसक खसक कुछ कुछ के बैठी नहीं कहीं बैठ सको। तो तुम दमदार तो तुम हो और जोरदार भी हो, बस तुम्हें थोड़ा सा बदलना है। बदलना क्या है कि हम हमारे धर्म को, हम हमारी संस्कृति को, हम हमारे संस्कारों को, हम हमारी सभ्यता को आंच नहीं आने देंगे, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे। बस यही श्री शिवाय। शिव महापुराण में जब भी यह मंत्र आए अपने हृदय की बात शिव से जरूर कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।